नमस्कार। कहते हैं राजनीति में आगे बढ़ना है तो साथ वाले को नजरअंदाज करना ही पड़ेगा। खैर, ये बात एक बार फिर उस वक्त साबित होती हुई नजर आई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से आगे निकलने की होड़ में तेज दौड़ रहे नेताजी धड़ाम से गिर पड़े। पास से गुजर रहे सिंधिया उन पर हंसे और आगे निकल गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने भी मजे लेने शुरू कर दिए। लोग कह रहे हैं, भाई सिंधिया से आगे निकलना आसान थोड़ी है। ये पूरा घटनाक्रम ग्वालियर का है। दरअसल सिंधिया 4 दिन के ग्वालियर दौरे पर है। यहाँ पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया शंकरपुर स्थित निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए आए थे और यहीं पर क्रिकेट खेलने लग गए। सिंधिया ने जमकर चौके छक्के बरसाए। इस दौरान अपनी फिटनेस का परिचय देते हुए सिंधिया मैदान पर जमकर दौड़े। सिंधिया जब दौड़ रहे थे तो उनके एक समर्थक नेता ने आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गए। सिंधिया भी मुस्कुराए और आगे निकल गए। धड़ाम से गिरने वाले कोई और नहीं बल्कि स्थानीय नेता संजय शर्मा थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने भी खूब मजे लेने शुरू कर दिए। जैसे एक यूजर ने लिखा, कैटरीना की शादी में जाते हुए लोग। एक दूसरे यूजर ने लिखा, यही भाजपा की विचारधारा है। एक और यूजर ने लिखा, रनिंग का उसूल है कि गिरे हुए को नहीं उठाया जाता क्योंकि उसे उठाने के चक्कर में और लोग गिर सकते हैं। तो देखा आपने लोग कैसे इस वीडियो का मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे आपको बताते चले कि ग्वालियर के शंकरपुर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। करीब 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला ये देश का अत्याधुनिक स्टेडियम होगा। ये स्टेडियम लगभग 150 करोड़ में बनकर तैयार होगा। खैर, आपको सिंधिया का क्रिकेट खेलना और नेताजी का धड़ाम होना कैसा लगा, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय हमें जरूर।